देश के आधे दर्जन से अधिक पत्रकारों पर किए गए फर्जी मुकदमे के खिलाफ बेगूसराय जिले के पत्रकारों ने बुधवार को शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रेस क्लब से निकाले गए इस जुलूस में पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों ने मांग किया है कि सभी पत्रकारों पर से फर्जी मुकदमे वापस लिया जाए। जुलूस का नेतृत्व पत्रकार विजय कुमार एवं जीवेश तरुण कर रहे थे। प्रेस क्लब से जुलूस निकालते हुए कैंटीन चौक, कचहरी चौक, नगर थाना चौक होते हुए कलेक्ट्रेट के दक्षिण गेट पर पहुँच संपन्न हुआ। इसमें सभा का भी आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों पर हमला करने की सरकार की प्रवृत्ति बढ़ी है। आए दिन पत्रकारों पर दमन हो रहा है, यह अघोषित आपातकाल की तरह है। जीवेश तरुण ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और सरकार पत्रकार पर हमले करने वालों को जेल भेजने की बात करती रही है, मगर आज दिन खुद सरकार द्वारा ही पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा व विभिन्न तरह की यातनाएं हो रही है, जबकि संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहने वाले पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। पत्रकारों पर हमले का एकजुटता के साथ प्रतिवाद होना चाहिए, तभी लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में पत्रकार संजय सिन्हा, अवधेश कुमार, संतोष कुमार राय, अजय शास्त्री, जितेंद्र कुमार, राम कुमार, मोहम्मद मुमताज अली, केशव भारद्वाज, रामसेवक स्वामी, रविशंकर, गोलू, धर्मेंद्र कुमार सहित दर्जन पत्रकार मौजूद थे। बेगूसराय से ब्यूरो संतोष कुमार राय की रिपोर्ट, टीम DN City लैब न्यूज, बेगूसराय। पत्रकारों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकारों पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिले के पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिले के पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, अन्याय है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन सरकार अभिव्यक्ति को कुचल देना चाहती है। स्वतंत्रता जो हमारे लोकतंत्र में संविधान में हमको मिला है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। और आप जान लीजिए, पत्रकारों पर मुकदमा करके पूरे लोकतंत्र को डराने की कोशिश है। ये सरकार की जो मंशा है वो कभी सफल नहीं होगी। हम आज प्रतिवाद बाद निकाले हैं, हम जिले के बुद्धिमान पत्रकार साथी, जो पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेकर रिपोर्टिंग हुई, उनमें कुछ पत्रकारों पर फर्जी तरीके से देशद्रोह का मुकदमा किया गया है, जो घोर निंदनीय है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपनी एकता प्रदर्शित की है और हम मांग करते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कि फर्जी मुकदमा वापस ले, लोकतंत्र को जिंदा रहने दें। लोकतंत्र बचेगा तभी देश बचेगा, संविधान के बल पर देश चलेगा, ना कि तानाशाही के बल पर। और ये तानाशाही रवैया है कि पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं। हम आज उन्हीं की मांगों के समर्थन में और कहिए कि केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रतिवाद मार्च किया। देखिए, देश में शासन जो है हमेशा बराबर दावे करती रही है कि पत्रकार पर हमला जो करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जब वही शासन पत्रकार को क्षति करना शुरू कर दे, उसके इमेज पर दाग लगाना शुरू कर दे, तो फिर चौथे स्तंभ का मतलब क्या रहा। आज देखिए, लगातार विगत महीनों से तकरीबन 4-5 पत्रकारों पर देश में फर्जी मुकदमे हुए हैं, झूठी गिरफ्तारी की गई है, उनके साथ अत्याचार किया गया है, उनके परिवारों के साथ दमन हुआ है, शोषण हुआ है। बावजूद उसके शासन और प्रशासन कहीं इस पर एक्टिव नहीं हो रहा है। लगातार देश में कई संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज इसी सब तमाम बिंदुओं को लेकर, अब कल की बात देखिए, परसों की दिल्ली में एक होटल पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सारे संगठन एक होना शुरू किए तब पत्रकारों को रिहा किया गया। तो इस ढंग से आप चौथे स्तंभ को जहां आप सराहना करते हैं, वहीं आप उसको शीशे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में आप नाकामयाब हो जाएंगे।
आपको चौथे स्तंभ को उसी ढंग से दर्जा देना होगा जिस ढंग से संविधान में लिखा हुआ है, और इसी तमाम सुरक्षा की मांगों को लेकर हम बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार भारत में तमाम पत्रकार आज सड़क पर उतरे हैं, प्रतिवाद मार्च निकाले हैं, और ये पूरे बेगूसराय में निकालते हुए शहीद स्थल पर हम लोग समापन किए। पत्रकार हैं, लोकतंत्र के पक्षधार हैं, पत्रकार हैं, संविधान के में विश्वास रखने वाले पत्रकार हैं, जो जनता की मांगों को, वाजिब मांगों को, उनके आंदोलन को दुनिया देश में प्रचारित करते हैं। इससे सरकार को परेशानी हो रही है और इसी कारण आज ऐसे पत्रकारों पर हमला हो रहा है। ये सरासर अन्याय है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही रवैया किया जा रहा है। ये सरकार अन्याय कर रही है हम पत्रकारों के साथ। हम फिर से अपनी मांग रखते हैं कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करे और तुरंत अविलंब जिन पत्रकार बंधुओं पर फर्जी मुकदमा किया गया है वापस लें, नहीं तो हम लोग ये मांग कर और आगे बढ़ाएंगे, व्यापक पैमाने पर आंदोलन करेंगे। हमारी जो क्षमता है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अपने देश की जनता में विश्वास करते हैं और हम जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी मुकदमा वापस लो, वापस लो, लगातार पत्रकार पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र से बार बार ऐसी घटना दोहराई जा रही है, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार पत्रकार पर हमला हो रहा है, ये कहीं ना कहीं टारगेट कर पत्रकार पर हमला किया जा रहा है। ये सोची साजिश, अगर सरकार के खिलाफ कोई नुमंदे अगर खबर लिखते हैं तो उसको टारगेट करके उनको टारगेट किया जाता है, फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ पत्रकार को सुरक्षा दे, क्योंकि पत्रकार अपने कलम से लड़ाई लड़ते हैं, उसके पास ना हथियार है ना कोई चीज़ है, एकदम खाली जाते हैं न्यूज करने के लिए। अगर उसके खिलाफ अगर थोड़ी सी भी खबर लगेगी, अगर सच्चाई खबर दिखाती है, उसी में हमला किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फर्जी मुकदमा वापस ले, अगर नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।